खत्म करने की सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी वाले जो लगे हुए हैं पीछे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको ही रोका जा रहा है। जब केजरीवाल की सरकार नहीं बनी थी 2013 से पहले, तो रोज एक कांग्रेस के नेता को लिया थे, उनको इसने भ्रष्टाचार किया रोज करते थे। आप जानते इस चीज को? नहीं जानते। रोज एक कांग्रेस के नेता को लाते थे, देखो जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज वही कांग्रेस पार्टी के साथ जा रही, खुद भ्रष्टाचारी हो गया। हमारे साथ एक दारू फ्री करी है, जो आदमी एक दारू बोतल पी के अपने घर तक पहुंच जाता है, दो पी के रास्ते में लुटक जाता है, वो घर तक नहीं पहुंच पाता वो बेचारा। तो दोनों तो घर बर्बाद कर दिए उन्होंने। अरे उन्हें दे नहीं था तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली भी दे देते, बच्चों का तो काम हो जाता, पर दारू दे दी जाके घर तक ना पहुंचे आदमी। ₹500-600 का था, आज ₹1100 का सिलेंडर है। पेट्रोल पहले 50-55-60 रुपए था, आज ₹110-100 लीटर है। तो कहाँ से सुविधा है? ये जनता के लिए तो नुकसान है और काय का है। तो ऐसे ऐसा है, देख सोचेंगे समझेंगे जैसे वोट देना है। अच्छा एक अंतिम सवाल आपसे मैं ले लेता हूँ कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल रही है, 5 अक्टूबर को सुनवाई थी लेकिन माननीय न्यायाधीश किसी दूसरे मामले में थे, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब खत्म किया जाएगा या बची रहेगी और अपने अस्तित्व को बचाए रखे? खत्म करने की सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी वाले जो लगे हुए हैं पीछे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको ही रोका जा रहा है। और ये जो गरीब जनता है, आप बीच में गरीब जनता के बीच में जाइए ना, उनसे पता कीजिए कि भाई कौन सी सरकार ऐसी पार्टी है जो काम कर रही है। भाई बिजली पानी कौन ले रहा है? गरीब आदमी, जो मीडियम लोग गरीब आदमी है वही तो इसे, उन्हें ही तो नफा मिल रहा है। जो पैसे वाली फर्म पार्टी है बीजेपी के अंदर, जो मोटे मोटे पैसे वाले हैं, उन्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है। और जो गरीब आदमी है वो भरता है बिल। अगर उनका सुविधा अगर खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आपने सुना कि हाँ, अच्छा आप थोड़ा बोल दीजिए, लोगों ने काफी बोला कि आप बीजेपी के बारे में दबा क्यों रहे हैं, ऐसा आरोप है अभी आपने सुना कि सभी लोग बोल रहे हैं, आम जनता का भी कहना है और अभी तो आपने पार्टी का आरोप है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी आरोप है कि आप बदले की राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध आप निकाल रहे हैं जो दूसरे दल उभर के आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जब केजरीवाल की सरकार नहीं बनी थी 2013 से पहले, तो रोज एक कांग्रेस के नेता को लिया थे, उनको इसने भ्रष्टाचार किया रोज करते थे। आप जानते इस चीज को? नहीं जानते। रोज एक कांग्रेस के नेता को लाते थे, देखो जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज वही कांग्रेस पार्टी के साथ जा रही, खुद भ्रष्टाचारी हो गए आम आदमी पार्टी वाले। तो दूसरे पर तो इल्जाम लगाएंगे ना, पहले कांग्रेस पे लगाते थे, रोज एक नेता को लिया थे। अब ये जो मनीष सिसोदिया ने एक दारू के साथ एक दारू फ्री करी है, जो आदमी एक दारू बोतल पी के अपने घर तक पहुंच जाता है, दो पी के रास्ते में लुटक जाता है, वो घर तक नहीं पहुंच पाता वो बेचारा। तो दोनों तो घर बर्बाद कर दिए उन्होंने। अरे उन्हें दे नहीं था तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली भी दे देते, बच्चों का तो काम हो जाता, पर दारू दे दी जाके घर तक ना पहुंचे आदमी। तो ये मोदी जी से भी कह दो एक सिलेंडर के साथ एक सिलेंडर फ्री कह दे। ये मोदी जी से भी कह दो जो लोगों का भला हो जाए, कम से कम 900,000 रुपए का सिलेंडर है। बात कर रहे हैं, मोदी जी ने दूध पे भी टैक्स लगा दिया, आज देश के इतिहास में कभी दूध पे टैक्स ही नहीं लगा दिया। तो कफन पे टैक्स है, कफन पे बच्चों की पेंसिल रबड़ उस पे टैक्स है, जीएसटी है, बटन पे टैक्स है। बटन बताइए, एक बटन टूट गया तो इस पे जीएसटी देनी पड़ेगी। तो भाजपा के लोगों को बताइए टैक्स किसका है? जनता के पैसों का टैक्स कहां से आता है? अगर आप और हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने जाएंगे, किताब कॉपी खरीदेंगे, कांग्रेस ने कभी लगाया है क्या टैक्स? पढ़ाई पे कभी टैक्स लगा के भाइयों? नहीं। मैं बात जोर से बताओ, पढ़ाई पे कभी टैक्स लगा क्या? आज पढ़ाई पे टैक्स है। सरकारी स्कूलों के जो हालात है, एनसीईआरटी में जो बुकें आती थी बहुत सस्ती हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम में, एनसीईआरटी की आज जो बुकें हैं वो बहुत महंगी है। एनसीईआरटी का जिक्र किया, एक सवाल पूछ लेता हूँ, एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत लिखे, क्या भारत लिखा जाने लगा है? डर है इंडिया से भी? सवाल लूंगा आप जाइए, सही में खतरा है। अरे सर भाई साहब, हिंदी में तो हम भारत बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो इंडिया ही आएगा। ये तो सिर्फ एक चौथी पास राजा कुछ भी कर सकता है इसके अंदर जो है, बस ये बात साहब आप सवाल कीजिए। भारत जो आया है आप किताबों में कि भारत लिखा जाएगा, इंडिया को हटा के रिप्लेस कर दिया जाएगा बुक्स में। मैं सबसे पहले कहता हूँ मैं भारत का निवासी हूँ, लेकिन आज का कोई हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ जब से भारत का निवासी हूँ। लेकिन इंडिया जो नाम दिया किसने दिया? इंडिया किसने दिया? आप भारत पाकिस्तान का मैच हो तो कौन बोलता है, कौन को बच्चा बच्चा बोलता है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई? इंडिया। जोर से बोलो कौन जीतेगा? डिजिटल इंडिया बनाने वाले भाई, डिजिटल इंडिया मोदी जी ने खुद नाम लिखा, खेलो इंडिया रखा,
यंग इंडिया रखा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में जब सरकार बनी थी उसमें साफ नारा दिया था यंग इंडिया दिया था नहीं दिया था शाइनिंग इंडिया भी शाइनिंग में इंडिया भी एक नारा दिया था सफाई व्यवस्था के लिए तो ये किसकी देन जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी शाइनिंग इंडिया दे गए तो हमें अगर इंडिया से कोई खतरा है क्या किसी बात का दुख है क्या खतरा है सर किस चीज से तभी बार बार भारत कर दे रहे हैं आप नहीं भारत नाम पहले से लिया जाता है आज का नाम है क्या भारत शुरू से भारत बंधन बनने के बाद ये परिवर्तन ऐसा है चोर चोर मोसेर भाई हो गए ना दोनों अरे जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के चोर कहती थी कौन सा चोर है इनमें से एक है भारत पहले आम आदमी पार्टी चोर कहती थी कि सारे कांग्रेसी चोर है कहती थी या नहीं कहती थी 13 से पहले जो चुनाव उससे पहले रोज एक नेता को लेके बैठ जाते थे उनका ये भ्रष्टाचारी है कौन सी वॉशिंग मशीन में धोया आपने अजीत पवार जी कौन सी वॉशिंग मशीन धुले आपके आप बताएंगे नहीं नहीं वो आपके नेता थे ना अजीत पवार जी कौन सी बार नोटबंदी हुई थी नोटबंदी में इन्होंने इतना पैसा ब्लैक से व्हाइट कराया इन्होंने अब इतना पैसा है देश की जो पूरे वर्ल्ड की सबसे पैसे वाली पार्टी बीजेपी है इतना पैसा है पास किसी को भी खरीद सकते हैं आज के टाइम में पैसे से आप देख लो जगह जगह सरकारें गिरा रहे विधायक खरीद रहे सांसद खरीद रहे पार्षद खरीद रहे पैसा है पास कुछ भी कर सकते हैं सामने के रास्ते चले जाते पीछे के रास्ते चले जाते हैं यही हो रहा है और क्या है अच्छा राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो भाजपा वाले खुश रहेंगे ना अजी सपने देखते रहो वो नहीं आ रहे 2029 तक भी 24 की तो बहुत दूर की बात है इंडिया गठबंधन जीत रही है 100% 110% मोदी जी की बेचैनी बता रही है उनके कार्यकर्ताओं की बेचैनी बता रही है वो तो 2019 में बता रहे थे 2019 में भी सुनिए मेरी बात 2019 में भी ये देश बताया आपको ये देश बचाने का चुनाव है ये गरीबों का चुनाव है ये महंगाई से बचाने का चुनाव है ये सिलेंडर महंगे का चुनाव है जो चीनी दाल आटा ये राशन का चुनाव है ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें कोई दोहराई नहीं क्योंकि हमने देखा है कि अब यहाँ मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है भारत के अंदर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद तो आपने सुना कि तमाम राय हैं अपने अपने देखिए भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि राजनीतिक मतभेद हैं वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी भी दल के नेताओं में या कार्यकर्ताओं में मनभेद नहीं है ये भारतीय लोकतंत्र की संजीदगी और जिंदा दिली को भी दर्शाता है और जब मतदान हो जाएंगे इन 5 राज्यों में तब पता चलेगा कि जनता ने किसकी बातों पर भरोसा किया और 2024 में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुलती है इंडिया गठबंधन की जीत होती है या पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता अपने विश्वास की मुहर लगाती है कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद